बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो मेरे चैनल पर नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी यहाँ आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं आपको बताता हूँ आज हानिया ने क्या ड्रामा करा है, और ड्रामा ये करा है कि ट्यूशन ना जाने की वजह से इसने बहाने क्या करा है कि मुझे आ रही है बहुत तेज नींद, मैं सो रही हूँ, ट्यूशन नहीं जाऊँगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके बहाने, ये नहीं, ये सो गई है ट्यूशन ना जाने के चक्कर में। और अनमता अनुषा जो है वो ट्यूशन जा चुकी हैं, इसको नहीं जाना था तो ये बहाना करके सो गई है, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। जबकि काफ़ी देर तक ये उनके अनमता अनुषा के ट्यूशन जाने के बाद तक ये मस्तियाँ करती थी, नहीं सोई नहीं सोई, तो ये लेटे लेटे फिर सो गई, अभी ट्यूशन नहीं है। इसके बहाने ये होता है पढ़ने ना जाने की, पता नहीं क्यों अपना दिल चुराती है पढ़ने से। खैर अभी छोटी है तो इसलिए हम ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करते इसके साथ, जो हमें पता है कि इसके नए नए दिन है पढ़ाई की स्टार्ट में, तो आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। तो ये जो है बहाने करके सो गई, आहिस्ता आहिस्ता जो है जैसे जैसे बड़ी होती रहेगी सब समझ में आता रहेगा, जाने लग जाएगी पढ़ने। अभी बेगम के हमारे देखो सजने सवर ने, ये मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। बाद ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बना लेते हैं घर, जल्द से जल्द बना कर एक या दो कमरे, एक कमरा बना कर वॉशरूम किचन बना कर वहाँ शिफ्टिंग कर ले। अब मैं तो ना सोच में ही पड़ गई, एक मिनट अभी मिलती हूँ, मैं जरा गेट खोलता हूँ। अनमता अनुषा आ गई हैं और पढ़ने गई हुई थी, तो घर वालों को मैं आज यही बोल रहा था कि हम जो है ना थोड़े बहुत पैसे का कहीं से करके जो है एक दो कमरे बना के वहाँ रिहाइश कर लेते ताकि हमारी किराए के घर से जान चुकी है, क्योंकि हमारा किराया जो है वो गैस बिजली और घर के रेंट के साथ हमें तकरीबन 20-22 हज़ार रुपये में पड़ जाता। तो मैं चाह रहा हूँ जल्द से जल्द जो है ना जैसा तैसा छोटा मोटा तैयार करके उसको कच्चा सा हम वहाँ शिफ्ट हो जाए ताकि हमारी किराए के घर से जान छूटे। घर वालों को मैंने आज यही बोला, ये आ गए अनुषा हमारी पढ़ के और ये आ गए अनमता हमारी पढ़ के, दोनों पढ़ के आई हैं अभी। बस मैं यही सोच में पड़ गई हूँ, बस अब समझ में नहीं आ रहा कुछ। इन्होंने बोल तो दिया मुझे कि शिफ्टिंग का के घर बन जाएगा तो शिफ्टिंग हो जाएगी 3-4-3 महीने में, 2 महीने में ऐसे शिफ्टिंग कर देंगे, पर मैं तो सोच में ऐसे पड़ गई। मैंने कहा ला वहाँ तो जाकर ना हवा भी चलो ताज़ी होगी, सब कुछ होगा, पर कहने का मतलब है बच्चों की स्कूल का मसला हो जाएगा, फिर यहाँ से हटाना पड़ेगा इन लोगों को। तो बस आपको तो पता है लेडीज़ के हज़ार मसले होते हैं, शायद वो ज़रा सा दिल वो होता है, वहाँ इतनी अभी आबादी अपनी है नहीं, कम है आबादी, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कैसे एडजस्ट करूँ कैसे नहीं, बस मैं सोचना पड़ रहा है। बस ये है कि आप क्या करें, लमाली के देखी जाएगी 3-4 महीने बाद, लेकिन क्या होता है क्या होता है। खैर बच्चों का साल तो हम बर्बाद नहीं करेंगे, उनको वो पूरा साल यहीं पे जो ना वो पढ़ाएंगे ताकि अपनी आगे क्लास जो है ये वाली मुकम्मल कर लें। तो अगर वहाँ हमारी शिफ्टिंग हो गई जल्द से जल्द, तो फिर ये है कि मैं बच्चों को सुबह यहाँ छोड़ने आया करूँगा, यहाँ से लेने लेके जाया करूँगा, तो इससे मैं साल जो है ना वो बर्बाद नहीं होने दूँगा बच्चों का। ये क्लास को मैं इंशाल्लाह इनको यहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं खुद चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो है अपने घर में जो हल्का फुल्का तैयार करके जो है वहाँ शिफ्ट हो जाए, ताकि जो है हमारी किराए के घर से जान चुके, क्योंकि रेंट जो आप लोगों को पता है महीना आग बन करके ऐसे आता है जो है फ़ौरन से पर जो है ना पढ़ना पड़ता है, सब 20-22 हज़ार रुपये में भी घर पड़ जाता है, और उसमें जो है ना हमारी कोई आमदनी नहीं है कुछ नहीं है, तो उसको जो है ना बस हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हल्का फुल्का सा तैयार करके हम अपने घर में शिफ्ट हो जाए। बस यही ये बहुत परेशान है इसी वजह से कि ज़्यादा घर का इतना किराया है वो सब कुछ। बस ये कि आप ना आगे भी हमारी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि पैर सी बात है कि ज़्यादा इतना किराया सब कुछ देना पड़ता है, सारा सब कुछ देखना पड़ता है, ये अकेले कमाने वाले आप लोगों के सपोर्ट की जो है ना हमें ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप बस यही कहना था आप लोगों से ये कि मैं अभी बच्चों को ही खाना दे रही हूँ, बच्चे आ गए सिर्फ बारह पढ़ के मेरे, ये खाना बनाया मछली बनाई थी रात को मेरे, हमारी ये टाइम है बाल बच्ची ये सो गई, वो तो सोने ही दो।
ये सारे मामला थे हमारे घर के, बस हम चाह रहे हैं जल्द से जल्द जो है बस कैसे भी तैयार करके कैसे कैसे करके थोड़ी बहुत। बिजली का बिल हमारा पिछले महीने 9,500 का आया जो मैंने भरा ही नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं भर नहीं पाया। मेरे हस्बैंड बहुत परेशान है जो है ना, इस महीने डबल आएगा तो उसकी किस्त वगैरह करवा के जो है कुछ ना कुछ। अल्लाह मालिक को देखते हैं आगे क्या होता है, अल्लाह बहुत बड़ा है करने वाला, अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया तो आगे भी जो है अल्लाह बाकी सब करवाएगा हमारा। अभी जो है वो हम जा रहे हैं प्लॉट पे दोबारा, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था और बताया था कि हमने वहाँ कुछ सब्जियों के बीज लगाए, तो आज हम जो है वो दोबारा जा रहे हैं वहाँ पे, हमें कुछ बीज और लगाने हैं थोड़े से लहसुन के और तुरई वगैरह के। हम थोड़े से घर वालों ने बोला कि और भी जगह पर जो ना वो लगा दो तो काफ़ी सारी सब्जियाँ आ जाएंगी, क्योंकि सब्जियों का रेट इस वक्त बड़े हाई फाई चल रहे हैं। घर वालों ने कुछ मशवरा दिया कि भाई प्लांट है अपने पास, अपने प्लांट पर सब्जियाँ लगा लो वहाँ बीज वगैरह लगा लो। तो अभी हम दोबारा जा रहे हैं प्लॉट पे, वहाँ पे थोड़े से बीज और लगाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं प्लॉट पे जाकर। व्यूज हम आ गए हैं अपने प्लॉट पे, ये आज जो और बीज लगाने थे ना वो अब ये लगा रहे हैं मेरे हस्बैंड। ये देखिए आप, ये थोड़ी सी थोड़ी बहुत घास उग गई है, ये हटा रहे हैं घास को, ये देखें। अब ये कन्नी लिए ये ज़रा ना घास काट रहे हैं। फैसल क्या कर रहे हो ये तुम? घास हटाएंगे यहाँ पे, सफाई करके बीज लगाएंगे। अच्छा ये घास काट रहे हो, भाई ये भी। चलो हम अब आ गए हैं, ये कर रहे हैं ये हमारे हस्बैंड, ये घास काट रहे हैं, ये इसे कन्नी से काट रहे हैं। ये देखिए ये कन्नी से काट रहे हैं। अच्छा दरवाजा भी आपका, ये देखें ये मेरी हानिया बैठी पत्थर से, भाई मिट्टी में नहीं घुसना हानिया, बिल्कुल मिट्टी से नहीं घुसना, तुम्हें एलर्जी है वैसे ही मिट्टी से। इधर मुंह करो, इधर देखो, मिट्टी में नहीं घुसना आप, ठीक है? सही है, ओके बोलो, ओके। चले उसने ओके कर दिया, अब ये मिट्टी में नहीं घुसेंगी, पर ये सुनती नहीं है। वो देखो वो दरवाजा, बस दरवाजा ही गाय जा रही है, ये दरवाजा इनका क्या लग गया है, बस दरवाजा देख लो, इनका दरवाजा देख लो, ये दरवाजा इनका। ये हम पानी की बोतल लाए, जग लेकर आए पानी निकालने के लिए, पानी पीने के लिए। ये इन्होंने घास बहुत तकरीबन बहुत सारी हटा ली, अभी थोड़े से बीज और लेकर आए लगाने के लिए, इसमें थोड़े और लगा देंगे। वैसे तो लगाए थे अभी 2 दिन पहले लगाए थे, टमाटर के और करेले के और हरा धनिया लगाया हमने। अब ये कहने लग गए चलो थोड़ा और, मैंने कहा जाहिर सी बात है जब ये जगह खाली पड़ी है, ये देखिए ये सब जगह खाली पड़ी है, ये देखें पूरा प्लाट मेरा खाली पड़ा हुआ है, बस खाली टैंगी मैंने बनवाया। मैंने कहा जब तक नहीं बनता तो चलो थोड़ा कुछ लगा लो, इस वजह से यही सोच कर बस हम फिर दोबारा से आए। अब दोबारा लगाने के लिए थोड़े बहुत तो लगा दिए थे परसों बीज। काम करने आए कह रही है मेरी बेटी, बोल रही है ये देखो सुनो क्या कह रही हैं आप, ये क्या काम करने आई हो यहाँ देख कर बोलो। हाँ मैं कह रही हूँ बीज लगाने, तो कह रही है हम काम करने आए। ये देखो ये पत्थर से खोद रही है, हाथ हटाओ मिट्टी में नहीं डालना, फिर आपको वैसे एलर्जी है मिट्टी से बेटा। ये काम करने आई है हमारी बेटी काम करने आई। ये देखें ये तकरीबन जगह साफ हो गई, इन्होंने घास सारी हटा दी उखाड़ दी। हाँ ये बड़ी बड़ी घास है ना फैसल, ये भी हटा दो, ये उगेगी नहीं। फिर अभी हमने सब साफ करवाया था प्लाट पूरा अपना, बहुत घास थी इस प्लाट में, और यहाँ एक सांप भी निकला था छोटा सा, वो हम मेरे भाई जो थे ना वो मजदूरी कर रहे थे तो उसने वो मार दिया था सांप को। अब ये फैसल बस घास हटा लें, फिर ये खुदाई करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी खुदाई करना पड़ेगी उसमें बीज उगाने के लिए, बीज ये लगा देंगे। अल्लाह करे बस जल्द से जल्द सब्जी उगाए, ताकि इस महंगाई के दौर में हम भी थोड़े बहुत टमाटर वमाटर कुछ भी जो भी उगेगा हम यूज़ तो कर लेंगे अपने घर में। ये क्यों ले जाए करेंगे हर हफ्ते आकर, थोड़ी ये रखवाली भी हो जाएगी। लो देखें हमारी बेटी क्या बोल रही है, दादी का कमरा यहाँ बनेगा, ये देखें ये नक्शा बता रही है हमें, ये दादी का कमरा वहाँ बनेगा उस तरफ, वो देखें वो कह रही है उस तरफ जहाँ बजरी पड़ी है ना उस तरफ, और आपका कमरा
हाँ जहाँ ये मैं खड़ी हूँ ना इस तरफ, जहाँ ये फैसल घास हटा रहे ना, इन्होंने डिसाइड किया है कि हमारा कमरा इस तरफ होगा, ठीक है ना? हमारा कमरा होगा इस तरफ। बस बेटा दुआ करो, जल्दी जल्दी दुआ करो आप, अल्लाह पाक दुआ कबूल कर ले। जैसा कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वो चाह रहे कि जल्द से जल्द कोई पैसों का बंदोबस्त हो जाए, कि ये हम जल्द से जल्द तैयार कर लें अपना मकान। इसलिए अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो इतना सा काम हुआ है, पर इसी में है तकरीबन हमारे 1 से 1.5 लाख उड़ गया। सिर्फ क्या, हमने खुदाई करवाई है, टैंक टैंक बस बनवाया है। अच्छा, सही है। बस ये टैंक बनवाया और ये बस इतनी इतनी सी दीवार है, ये देखें वो दिख रही है ना आपको, ये इतनी कितनी, 1 2 3 4 5, बस 5 6 रद्दे लगवाएं और वो सामने वाली दीवार पे थोड़े से ज्यादा है, पर ये है कि पिलर से ये वाली नीचे है, ये देखें। बस एक गेट लगवाया, ये भी हमने पुराना गेट लगवाया है, अल्लाह पाक जब देगा तो फिर बड़ा गेट लगवाएंगे। बड़े गेट की ये जगह है, ये हमने छोड़ दी। जब हम दोनों गेट लेंगे ना तो फिर हम बड़ा गेट और छोटा गेट एक सा लगवाएंगे एक साथ ही। ये बराबर वाले प्लाट की है दीवार, ठीक है ना? बस क्या करें, बस आप दुआ कीजिए अल्लाह पाक हम जल्द से जल्द बनवा लें अपना घर, फिर फैसल की भी टेंशन थोड़ी कम हो जाए। टेंशन में रहने लग गए आजकल मेरे हस्बैंड, वो सोचते कि किराया नहीं दे, किराया है ज़ाहिर घर का, किराया बिल है बहुत इनको महंगा पड़ रहा है। ये कह रही है फ्रिज यहाँ रखूंगी, वहां तो गैलरी आएगी बेटा, वहां बाथरूम निकलेगा। फ्रिज किचन में रखेंगे ना हम। देख मेरी बेटी को इतनी टेंशन, मेरी मासूम सी बेटी है। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने घर वापस, और जो है मैं कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ। अब मैं नहा के फ्रेश होके चाय वगैरह पी के अब करेंगे आराम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।